हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है एफजे एंड केकेटी कंडीशन की एग्जांपल नंबर 10 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जांपल नंबर 9 की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। एग्जांपल नंबर 10 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको 16 मार्क्स में आ सकती है। सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, कंसीडर प्राइमल प्रॉब्लम पी, मिनिमम x1 - 3² प्लस x2 - 3² सब्जेक्ट टू x1² प्लस x2² लेस देन इक्वल टू 5। ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की, जिसका सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस क्या है √5। हमारी कंस्ट्रेंट किसमें होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, तो -5 को यहाँ पे +5 है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो -5 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। ये बन गया g1 g2 g3 g4। उसके बाद फर्स्ट में हमने प्रूव करना है कि हमारा जो फाइंड दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल प्रॉब्लम पी, जो भी हमारा ऑप्टिमल पॉइंट आएगा वही हमने चेक करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब होता है प्रूव करना है कि वही हमारा एफजे पॉइंट है। उसके बाद थर्ड में हमने चेक करना है कि x^(0, 0) भी हमारा क्या है, एफजे पॉइंट है या नहीं है। सो एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। पहले हमने प्राइमल प्रॉब्लम ले ली जो किसमें है, मिनिमम में, f(x) किसके इक्वल है, x^(1 - 3² x^(2). यहाँ पे g1 g2 g3 g4 ले लिया जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। उसके बाद हमने क्या करना है, x1 और x2 की वैल्यूज फाइंड करनी है। क्वेश्चन में हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन है x^(-3² प्लस x^(-2² इज इक्वल टू जेड। ये हमारा क्या था, फंक्शन था जो किसके इक्वल ले लिया, जेड के, दैट इंसर्ट्स दी फिजिबल रीजन। ये हमारा क्या है, एक फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन मतलब ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कन्वेक्स फंक्शन है। उसके बाद हमने क्या किया, जो इक्वेशन है उसका हमने डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू d1 d2। यहाँ पे हमने सिंपल डेरिवेटिव किया, इसका मतलब जो d1 d2 है वो दोनों हमारे क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो डेरिवेटिव में क्या आता है, 2 आगे, इसकी पावर क्या बन गई 1, अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 - 0 = 1। तो सिंपल क्या आ गया, 2x1 - 3 dx1 प्लस 2x2 - 2 d2 x = 0। इसको हम उधर ले आएंगे तो नेगेटिव आ गया, -2 के साथ 2 कैंसिल, तो हमारे पास ये बच गया d2 dx2 एज इट इज। ये मल्टीप्लाई में इधर आके बन गया डिवाइड में, ऐसे ही ये वाला हमारा मल्टीप्लाई में इधर आके बन गया डिवाइड में, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। स्लोप हमेशा किसके इक्वल होती है, सॉरी, स्लोप ऑफ कंस्ट्रेंट किसके इक्वल है, x1 + 2x2 = 4, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये हमारी g2 की इक्वेशन है, तो इसको भी सॉल्व किया तो क्या आ गया, dx2 dx1 = -1/2। तो ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो दोनों राइट हैंड साइड को भी कंपेयर कर दिया, तो दोनों को कंपेयर किया तो ये दोनों हमारे क्या आगे, इक्वल आगे, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, सिंपली इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसका मतलब 2x1 - x2 = 4 इक्वेशन आ गई, और ये वाली हमारे क्या थी, g2 की इक्वेशन, x1 + 2x2 = 4। दोनों इक्वेशन को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी बुक पे, x1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 12/5 और x2 की वैल्यू आ गई 4/5। सो यहाँ पे हमने लिख दिया, बट जो हमारे दोनों पॉइंट्स आए हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करे, इसका मतलब जो x पर पॉइंट है वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। इसके बाद हमने क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। ये हमने सारा जो किया है ये क्यों किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सर्कल की इक्वेशन गिवन थी, ये देखो क्वेश्चन में हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन थी, तो इसीलिए हमने फंक्शन को यूज करके ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश की, बट हमारे पास नहीं आया है। प्रीवियस एग्जांपल्स में हमें क्या गिवन होता था, एक लीनियर इक्वेशन गिवन होती थी जिसकी पावर क्या होती थी, 1, बट अब हमें क्या गिवन है, सर्कल गिवन है, इसलिए हम जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन वाली डेफिनेशन होती थी, जो थ्योरम नंबर 1 थी, उनका रिजल्ट यूज करके हम फाइंड कर लेते थे, बट इस एग्जांपल में हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन थी, तो इसीलिए हमने ये जो मेथड है यूज किया। ये यूनिक क्वेश्चन है, सॉरी यूनिक एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल आपको पेपर में आ सकती है, तो इसकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर लेनी है। मैंने यहाँ पे चेक करके भी दिखाया है कि ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, पहले तो सर्कल की
डायग्राम बनाई जिसका सेंटर क्या था 0, 0 और उसका रेडियस बन रहा था अंडर रूट 5। उसके बाद हमने जो इक्वेशन थी x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 4, इसको पॉइंट्स पुट करके देखना ये लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे टच कर रही है तो 4, 0, यहाँ पे आ गया 0, 2 और 3, 2। ये वाला पॉइंट कौन सा है जो हमें फंक्शन में गिवन है, x1 - 3² प्लस x2 - 3² तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 3 यहाँ तक आएगा और 2 इसकी सेहत पे। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि हमारा जो फंक्शन और कंस्ट्रेंट है वो क्या है, कन्वेक्स है, क्योंकि ये हमारा क्या बना रही है, यू बना रही है। उसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट लेंगे, ये वाला 2, 1। अब 2, 1 को चेक करके देखते हैं कि ये ऑप्टिमल सोल्यूशन दे रही है ये नहीं दे रही। ये सेम एग्जांपल आ गई जैसे हमने एग्जांपल नंबर 9 की है। अब फिर से हमने इसकी डेफिनेशन यूज कर ली, सॉरी थ्योरम का रिजल्ट यूज कर लिया। क्या होता है, एक्स बार इज ऑप्टिमल सोल्यूशन, ये तभी पॉसिबल है जब डेल एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसवर्स x - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये सारा स्टेप्स हमारे प्रीवियस एग्जांपल्स वाले, बस चेंज किस में आया था, ऊपर थोड़ा सा फंक्शन को यूज करके हमने चेक किया कि हमारे पास पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा। सिंपल हमने डेल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड की, उसके बाद पॉइंट पुट करके देखा तो क्या आ गया, -2, -2। तो इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ गया, -2, -2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 - 1, x2 - 1 सॉरी x1 - 2 और x2 - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में क्या चलेगा, इफ एंड ओनली इफ साथ में चलेगा, ये इक्वेशन बनेगी। इसको सिंप्लीफाई किया तो x1 + x2 < 3 आ गया। यहाँ पे जो भी फिजिबल पॉइंट बन रहे थे, जो शेडेड पे आ रहे थे, सारे पुट करके देखे तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे 0, 2 है तो 0 + 2, 2 < 3 विच इज ट्रू। ऐसे √5 + 0, √5 की वैल्यू होती है 2 point something, तो 2.53 से छोटा है, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई कर गया। ऐसे 2 + 1 = 3, 3 = 3, ये भी हमारा ट्रू है। इसका मतलब 2, 1 हमारा क्या बन गया, लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन। प्रूफ क्या करना है हमने कि ये क्या है, हमारा यूनिक ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन है। उसके लिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली कन्वेक्स फंक्शन होना चाहिए। ये सारा हमने फर्स्ट चैप्टर में प्रूफ किया है। और जो यूनिक ग्लोबल और लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन है ये हमने स्टार्टिंग में थ्योरम्स की थी, वही रिजल्ट यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हैसन मैट्रिक्स की डेफिनेशन लगाएंगे, यहाँ पे सिंपल इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। इसका डबल डेरिवेटिव 2, इसका डेरिवेटिव किया तो आ गया 0, 0, 0, इसकी वैल्यू पुट की तो क्या आ गया 2, 2, 0, 0, 2, ये हमारा बन गया हैसन मैट्रिक्स। D1 क्या होता है, फर्स्ट 2 > 0, D2 क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 2, 2 = 4 - 0 = 4, 4 > 0 आ गया, इसका मतलब पॉजिटिव डेफिनेट है। पॉजिटिव डेफिनेट मतलब एफ हमारा क्या बन गया, स्ट्रिक्टली कन्वेक्स फंक्शन। अगर स्ट्रिक्टली कन्वेक्स फंक्शन है तो हमारा जो एक्स बार पॉइंट है वो क्या बन गया, यूनिक ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन। सेकेंड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है कि हमारा जो भी ऑप्टिमल सोल्यूशन आया है वो ही हमारा एफ जे पॉइंट होना चाहिए। तो आई किसके इक्वल लेंगे, 1, 2, ये कैसे चेक करते होते हैं, जो हमारी g1, g2, g3, g4 कंस्ट्रेंट्स हैं, यहाँ पे हमने पॉइंट्स को पुट करके देखना है कि हमारे जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पुट करके देखते हैं कौन सा पॉइंट आया था हमारे पास, 2, 2, 1, तो यहाँ पे पुट करके देखो, 2, 2 = 4 + 1, 1 = 1, तो 4 + 1 = 5, तो 5 = 5 विच इज ट्रू। ऐसे 2 + 2, 1 = 2, तो 2 + 2 = 4, 4 = 4, तो आई हमारा किसके इक्वल आ गया, 1, 2, दैट मीन्स g1, g2। यहाँ पे आपने रीजन बना के भी लिख देना है। नेक्स्ट क्या किया है, देयर फॉर लेजेंडर मल्टीपल्स u3, u4 एसोसिएट विद कंस्ट्रेंट्स -x1 < 0, -x2 = 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, एसोसिएटेड का मतलब होता है कि u3, u4 की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। नाउ एफ जे कंडीशन क्या होती है, u0 डेल एफ ऑफ एक्स पर,
यू वन डेल जी वन एक्स वाय, यू टू डेल जी टू एक्स वाय, यू थ्री डेल जी थ्री एक्स वाय, यू फोर डेल यू जी फोर एक्स वाय, बट यू थ्री यू फोर की वैल्यू जीरो जीरो है इसलिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है। और कंडीशन क्या होनी चाहिए, यू नॉट यू वन यू टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और नॉट इक्वल टू जीरो होने चाहिए। दैट मीन्स जो यू नॉट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, ऐसे यू वन यू टू की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप में इनकी सभी की वैल्यूज पुट कर दी जो हमने स्टार्टिंग में फाइंड की थी, उसके बाद सिंप्लीफाई किया और यू वन की वैल्यू आ गई यू नॉट बाय थ्री और यू टू की वैल्यू आ गई टू यू नॉट बाय थ्री। आप अपनी बुक पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद यू नॉट हमारा क्या है, ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब जो यू वन यू टू है वो भी हमारा ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो हमारा जो एक्स बार इज इक्वल टू टू कोमा पॉइंट था वो ही हमारा एफ जे पॉइंट है। इसका मतलब जो टू कोमा वन है वो ही हमारा लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन है, यूनिक ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन है और यही हमारा एफ जे पॉइंट है। थर्ड हमें क्या पूछा है, चेक वेदर एक्स बार इज इक्वल टू जीरो कोमा जीरो इज एफ जे पॉइंट। नाउ एक्स बार किसके इक्वल है, जीरो जीरो के, तो आई हमारा किसके इक्वल आएगा, थ्री कोमा फोर के, क्योंकि थर्ड और फोर्थ कंस्ट्रेंट भी हमारे जो पॉइंट है जीरो जीरो सेटिस्फाई हो रहा है, तो यू वन भी जीरो के इक्वल आ गया, यू टू भी जीरो के इक्वल, ये हमारी जो कंस्ट्रेंट्स है वो क्या हो जाएंगी, एसोसिएटेड हो जाएंगी, इसलिए यू वन यू टू इक्वल टू जीरो आ गया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे यू थ्री यू फोर पुट कर देंगे, सारा हमने जैसे प्रीवियस में किया था वैसे हमने यहाँ पे फाइंड कर देना है, सॉरी सॉल्व कर देना है। ये देखो जैसे हमने यहाँ पे यू वन यू टू लिया था वैसे हमने यू थ्री यू फोर लेना है, क्योंकि यू वन यू टू हमारा क्या हो गया, एसोसिएट हो गया, एसोसिएट मतलब इनकी वैल्यूज जीरो की इक्वल आ गई। बट डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि यू जो यू थ्री यू फोर है वो जीरो की इक्वल नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पे हमें निकाल के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन लेते हैं ना कि यू नॉट यू वन यू टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए और इनकी जो वैल्यूज है नॉट इक्वल टू जीरो होने चाहिए। क्वेश्चन में हमें जीरो के इक्वल दिया हुआ है तो क्लियर हो रहा है कि ये सेटिस्फाई नहीं होगा, बट यहाँ पे हमें निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सिंपल इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन जीरो, इसकी जीरो माइनस वन, देन इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, मैंने यहाँ पे निकाल के भी दिखाया है कि एफ ऑफ एक्स बार की वैल्यू आ रही है माइनस सिक्स माइनस फोर और डेल जी बार जी थ्री एक्स बार की वैल्यू आ रही है माइनस वन जीरो। ये क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वन पार्शियल डेरिवेटिव एक्स टू, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स की थी, इन दोनों को सॉल्व किया तो यू थ्री की वैल्यू आ गई माइनस सिक्स यू नॉट और इसको भी उधर लेके जाएंगे तो यू फोर की वैल्यू आ गई फोर माइनस फोर यू नॉट। यू नोट हमारा क्या है, ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब जो यू थ्री यू फोर है वो क्या गया, लेस देन जीरो, ये हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, ग्रेटर देन जीरो चाहिए होता है, तो ये तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। अगर यू नोट इक्वल टू जीरो आ गया तो यू नोट यू थ्री यू फोर की वैल्यू भी जीरो के इक्वल आ जाएगी, बट हमें क्या चाहिए होती है, नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए होती है, इसका मतलब ये भी हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, तो हमारा जो जीरो जीरो पॉइंट है वो क्या है, एफ जे पॉइंट नहीं है। तो अगर एफ जे पॉइंट नहीं है तो वो लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन भी नहीं देगा। तो इसी के साथ हमारी एग्जांपल 10 कंप्लीट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपको 16 मार्क्स में आ सकती है। ये सारी एग्जाम्पल सेम थी, बस इसमें चेंज किस में आया है कि अगर फंक्शन में कंस्ट्रेंट हमारी सर्कल में गिवन है तो हमने फंक्शन को चेक करना है कि वो हमें एफ जे या ऑप्टिमल पॉइंट दे रहा है या नहीं दे रहा है। सो उसके लिए हमने क्या करना है, सिंपल इसका डेरिवेटिव कर देना है, फिर उसके बाद कंस्ट्रेंट ले लेनी है, उसका भी डेरिवेटिव कर देना है, दोनों को इक्वेट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है, फिर उसमें चेक करना है कि जो सर्कल की इक्वेशन है वहां पे हमारा जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो सेटिस्फाई कर रहा है तो यही हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, फिर उसके बाद आपने एफ जे पॉइंट कर लेना है। अगर यहाँ पे ही आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाता तो आपको ये स्टेप्स करने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद यहां से आपकी सेम एग्जांपल हो जाएगी जैसे हमने एग्जांपल नंबर 9 प्रूफ की थी। सो थ्योरम का रिजल्ट यूज करके एक्स बाय हमारा 2.1 के आ गया लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन, फिर हैसन मैट्रिक्स की डेफिनेशन को यूज करके हमारा जो पॉइंट है वो क्या बन गया, यूनिक
यूनिक ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। फिर उसके बाद हमने चेक किया कि ये एफ जे पॉइंट है या नहीं है। एफ जे के लिए ये कंडीशन को याद रखना होता है कि यू नोट हमेशा डेल एफ ऑफ एक्स बार के एक मल्टीपल में होता है, उसके बाद यू वन डेल जी जो ये है ये फंक्शन के, ये हमारा फंक्शन होता है, और ये जो जी वन जी टू है वो हमारी कंस्ट्रेंट्स होती हैं। उससे पहले आपने ये चेक करना है कि आई किसके इक्वल है 1,2 के लिए। ये कैसे चेक करना है, जो भी हमारे पास पॉइंट आया उसको सिंपल कंस्ट्रेंट्स में पुट कर देना है। तो यहां से हमारा ये क्लियर हो गया कि हमारा जो एक्स बार है 2,1 वही हमारा एफ जे पॉइंट है। लास्ट में क्या किया है कि हमने चेक किया कि एक्स बार इज इक्वल टू 0,0 ये एफ जे पॉइंट है या नहीं है। स्टार्टिंग से ही क्लियर हो रहा है कि 0,0 लिया है तो ये पक्का हमारा जो एफ जे पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि अगर यू नोट ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो यू 3 यू 4 लेस देन 0 आ रहे हैं, अगर इक्वल टू ले रहे हैं तो यू 3 और यू 4 की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है। ये दोनों ही हमारी कॉन्ट्रडिक्शन बन रही है, तो यहां से क्लियर हो रहा है कि हमारा एफ जे पॉइंट नहीं है। अगर एफ जे पॉइंट नहीं है तो लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन भी हमें नहीं देगा। इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल 10 कम्प्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 11 करेंगे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये 2013 में भी आई हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।